नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर सरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट की, दूसरी लिस्ट जो कल आ सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी कांग्रेस सीसी की बैठक होगी और एमपी में 5 सीटों पर बीजेपी घोषित कर सकती है प्रत्याशी। 24 सीटों पर बीजेपी घोषित कर चुकी उम्मीदवार। अब तक आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 5 प्रत्याशी पर कांग्रेस मुहर लगा सकती है। 6 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब जो है दूसरी सूची आने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के संभावित दावेदार जो हैं उनके नामों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इंदौर का सबसे पहले अगर हम जिक्र करें, दिव्या गुप्ता माला ठाकुर, इनका नाम आगे चल रहा है। हो सकता है कि यहां से ये दो महिला में से एक को चुना जाए और इन्हें मैदान में उतारा जाए, आगे बढ़ा जाए। उज्जैन का जिक्र करें, यह भी बीजेपी का गढ़ है। यहां पर रानी जाटव, मीना जोनवाल, ये दो के नाम आगे चल रहे हैं। हो सकता है इनमें से एक का नाम पर मुहर लगा दी जाए और इन्हीं में से एक को मैदान में उतारा जाए। छिंदवाड़ा जो कि हॉट सीट है, जिसे पाने की हर मुमकिन कोशिश बीजेपी कर रही है, हालांकि अभी जो है कांग्रेस के खाते में है। बंटी साहू, मोनिका बट्टी, ये नाम सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की जो है लिस्ट कल आ सकती है। आखिर संभावित नाम वो कौन कौन से हो सकते हैं, दावेदार कौन कौन से हो सकते हैं। हम सबसे पहले इंदौर का जिक्र कर लेते हैं, जो कि गढ़ है कहीं ना कहीं बीजेपी का। यहां से दिव्या गुप्ता और माला ठाकुर का नाम चल रहा है, दोनों में से एक का चयन किया जा सकता है। चूंकि यहां पर ताई और भाई का प्रेशर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिस वजह से महिला को यहां पर मैदान में उतारा जा सकता है। आगे बढ़ा जाए, उज्जैन का जिक्र किया जाए, यह भी गढ़ है बीजेपी का। रानी जाटव का नाम चल रहा है, मीना जोनवाल हैं, ये दो नाम चल रहे हैं, इनमें से एक को मौका मिल सकता है। वहीं छिंदवाड़ा का जिक्र करें, जहां पर बीजेपी निगाहें बनाई हुई है, टकटकी लगाए है कि कैसे न कैसे करके इस सीट को अपने खाते में लाना है। 29 की 29 सीट जीतनी है और एक यही कहीं ना कहीं छूट जाती है, पर ये अपने खाते में लानी है। इसके लिए जद्दोजहद चल रही है और बचाने के लिए कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है। बंटी साहू, मोनिका बट्टी, ये दो नाम आगे चल रहे हैं, इन दोनों में से एक पर यहां पर दाव खेल सकती है बीजेपी। धार का जिक्र करते हैं, सावित्री ठाकुर यहां से मैदान में उतारी जा सकती है। तो वहीं गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, ये वो दो नाम है जिन पर लगातार मंथन बीजेपी कर रही है और दोनों के बीच में जो है अभी भी दोनों के नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। हालांकि ये कल साफ होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बालाघाट का अगर जिक्र करें, वैभव पवार, मौसम बिसेन, भारती पार्थी, यहां से तीन नाम चल रहे हैं। तीन नामों पर लगातार मंथन हो रहा है और इन तीनों में से यही सोचा जा रहा है कि आखिर यहां पर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए या पुरुष प्रत्याशी को, इस पर यहां पर मंथन चल रहा है। अलग देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बीजेपी कल करती है, क्योंकि हमेशा चौंकाने वाला बीजेपी करती है। तो दूसरी सूची की पूरी पूरी उम्मीद है कि कल जारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के दावेदार आखिर कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से संभावित दावेदार हैं जो कांग्रेस जिनका नाम ला सकती है, तो उनका भी जिक्र कर लेते हैं। सरगुजा का सबसे पहले हम जिक्र करें, शशि सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम, इन दोनों के नाम पर मंथन चल रहा है, मुहर लग जाएगी सीसी की बैठक में। रायगढ़ का जिक्र किया जाए तो लालजीत राठिया, चक्रधर सिदार, रामनाथ सिदार, ये तीन नाम है जिन पर अभी तक मंथन चल रहा है और अभी फैसला नहीं ले पाई है कांग्रेस। बिलासपुर का जिक्र करें, विष्णु यादव, देवेंद्र यादव, ये दो नाम है जिन पर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। तो वहीं कांकेर की अगर बात की जाए, बीरेश ठाकुर, अनिला भेड़िया, दीपक बैज, यहां पर भी पेंच फंसा हुआ है। दीपक बैज चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, वहां से कवासी जो है अपने बेटे की गुहार लेकर के और बेटे की फरियाद लेकर के पहुंच जाते हैं आला कमान के पास। वहीं ऑप्शन में इनके पास जो है आला कमान के पास अनिला भेड़िया भी है, बीरेश ठाकुर भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यहां पर किसके नाम पर मुहर जो है कांग्रेस लगाती है। बस्तर का जिक्र करें, यहां से भी दीपक वैज ताल ठोक रहे हैं, हरीश लखमा है, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। यहां पर देखना दिलचस्प होगा बस्तर में, चूंकि मैं जिक्र पहले भी कर रही थी कि हो सकता है कि कांकेर में दीपक वैज को दिया जाए, पर बस्तर में जो है यहां पर पेच फंसा हुआ है दीपक वैज और हरीश लखमा के बीच में। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला बीजेपी और कांग्रेस अपनी लिस्ट में लेती है।
आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के आवास पहुंचे। यहां ग्वालियर चंबल अंचल के 4 लोकसभा सीट पर चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन उन्होंने किया। और इस मौके पर भिंड प्रत्याशी संध्या राय, मुरैना से प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर और ग्वालियर के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, हम ग्वालियर चंबल समेत प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। भिंड की प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती संध्या राय जी, शिवमंगल सिंह भदौरिया हमारे मुरैना के प्रत्याशी के साथ बैठ करके बात की है, हमारी तैयारी है, भाजपा निश्चित रूप से अपनी सारी सीट जीतेगी। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मंत्री जयभान पवैया से मुलाकात की और इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। करीब 15 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 15 मिनट तक बातचीत होती रही। टिकट वितरण को लेकर जयभान पवैया की नाराजगी की खबरों के बीच इस मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो बंद कमरे में ये 15 मिनट की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। मान मनोबल की स्थिति शायद यहाँ पर देखने को मिल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे, सीएम साहब थे, सीएम मोहन यादव और जयभान सिंह पवैया से सीएम ने मुलाकात की और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ इसे बहुत अहम भी माना जा रहा है। आइए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं ग्वालियर की। पहली तस्वीर, रणनीति पर मंथन, ये आप देखिए। पहली तस्वीर में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सीएम साहब हैं, रणनीति पर मंथन यहाँ हुआ। फिर दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पवैया से मुलाकात, चर्चा की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बीजेपी का मिशन ग्वालियर है, चंबल है और इसी को साधने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। और इसी बीच मुलाकात सीएम साहब की पवैया से बेहद खास। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि उसे बीजेपी के अलावा अब टीएमसी से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। देखिए, इंडी गठबंधन को फिर से झटका लगा है। इस बार गठबंधन के लिए बुरी खबर पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो को अपनाते हुए सभी 42 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की इस सूची में पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को फिर चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान को भी चुनावी दंगल में उतारा गया है। बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट मिला है, जो कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जबकि एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में आए शत्रुघ्न सिन्हा को भी मौका मिला है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। टीएमसी ने जिन सीटों पर नामों का ऐलान किया है उनमें कई बड़े नाम भी शामिल है। पार्टी ने बैरकपुर सीट से अर्जुन सिंह का टिकट काटा है। इसके अलावा नुसरत जहां का भी टिकट कट गया है। नुसरत जहां की लोकसभा सीट बसीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को उतारा गया है। वहीं पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद को भी बर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। टीएमसी के टिकट के ऐलान से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की राह मुश्किल नजर आने लगी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने माना कि कुछ बयान गैर जरूरी थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से। ममता के सहारे कांग्रेस ने लोकसभा की वेतरनी को पार करने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन गठबंधन कहने भर को गठबंधन रह गया है। जाहिर है कि कांग्रेस को अब अलग रणनीति बनानी होगी और अब बीजेपी के अलावा टीएमसी से भी मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ममता ने दाव चल दिया है। बंगाल में टीएमसी ने 42 उम्मीदवार उतार दिए हैं, पश्चिम बंगाल के सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और कहीं ना कहीं इससे अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं,
देश भर की 1092 ड्रोन दीदियां अपना जौहर दिखाने को बेताब है। ग्रामीण इलाकों से सिलेक्ट महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कल ये महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी। पीएम कुछ दीदियों से बातचीत भी करेंगे इस दौरान, और बेहद खास ये तस्वीर होगी जब वर्चुअली पीएम जुड़ेंगे और दीदियों से बात करेंगे। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है। पीएम मोदी के निर्देश पर देश भर से 1092 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अब ये महिलाएं ड्रोन उड़ाना जानती हैं और कल एक कार्यक्रम में पीएम के सामने अपनी प्रतिभा भी दिखाएंगी। भोपाल की 102 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी जो अब ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 102 ड्रोन दीदी आई हुई हैं, जिनका रिहर्सल चल रहा है, जिनका सेकंड है, और कल 11 तारीख को 10 बजे सुबह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका वर्चुअल माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे और हमारी जो दीदी आई है उनको हम सर्टिफिकेट और ड्रोन वितरित करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक आने वाले समय में ड्रोन की एक कृषि में क्रांति पैदा होगी। ड्रोन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए किया जाएगा और इसे लेकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कम समय में ज्यादा बड़े इलाके में छिड़काव के काम को ड्रोन के जरिए आसानी से किया जा सकेगा और इससे प्रशिक्षित महिलाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। सर, ये हमारा ड्रोन है जो एग्रीकल्चर में काम आएगा और ये दवाई स्प्रे या खाद डालने के लिए, टोटल फर्टिलाइजर डालने के लिए उपयोग होगा। और इससे सर नैनो फर्टिलाइजर जो है स्प्रे किया जाएगा, इसमें पाउडर नहीं डालेगा सर जी, तो बहुत ही अच्छा है सर। और जो है इससे हम बहुत जो है एक नारी को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए एक सपना देखा है, जो सारी दीदियों के लिए सपना देखा है, और उसमें हम सिलेक्ट हुई हैं 102 दीदियां, तो हम बहुत ही एक तो खुश हैं अपने आप में और बहुत उत्साह है हम में। और सर वाकई हम आज जो है सारी प्रमाणित दीदियां हैं और ड्रोन पायलट के रूप में है सर, इससे जो है हमारी जो कमाई होगी वो एक जो जिस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते, उस तरीके से हम जो है दीदियां हम कमाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं को किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया, ड्रोन दीदी से ही सुनिए। चयन हुआ था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर ग्वालियर में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोग की थ्योरी क्लास लगती, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है, जो टेस्ट क्लियर कर लेता है उसके बाद उसको प्रैक्टिकल मतलब उसमें कंप्यूटर के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि ड्रोन ये बड़ी चीज है, अगर कोई बिना प्रैक्टिस के सीधे ग्राउंड में उतार दें तो फिर क्रैश भी हो सकते हैं। तो उसके पहले उस सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग करवाई गई, उसमें जब अच्छे से लोग परफेक्ट हो गए उसके बाद उनको ग्राउंड में। ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का रास्ता बनेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अलग अलग क्षेत्रों में काम करें, इस लिहाज से प्रोजेक्ट की कल्पना प्रधानमंत्री ने की थी जो अब साकार भी हो रही है। प्रशांत कटारे, न्यूज 18, भोपाल। तो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट 30 नवंबर 2023 को पीएम ने इसकी शुरुआत की। 15,000 महिलाओं को बनाया जाएगा ड्रोन दीदी। जी हां, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रशिक्षण भी इसके लिए दिया जा रहा है। महिलाओं को फ्री में अब आगे भी ड्रोन इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन कीटनाशक के छिड़काव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश ये कहीं ना कहीं की जा रही है। महिलाओं को हर महीने 15,000 की सैलरी भी मिलेगी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना कुल मिलाकर के मकसद है सरकार का। पीएम मोदी ने जो वादे किए उसे पूरा किया। एमपी में ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी कर दी। महतारी वंदन योजना को लेकर पीएम ने पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और वादा पूरा किया गया। देश के विकास को गति मिले, शहर हवाई मार्ग से जुड़े, यात्रा सुखद और जल्द हो, इस लिहाज से पीएम ने 12 टर्मिनल के साथ ही 15 हवाई अड्डे की योजनाओं का उद्घाटन किया। एमपी की बात करें तो ग्वालियर जबलपुर के एयर टर्मिनल का पीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। ग्वालियर के एयर टर्मिनल को 500 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। पीएम ने इसकी तारीफ की, साथ ही किए गए वादे को पूरा करने की बात भी कही। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए
वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूँ, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूँ। उधर छत्तीसगढ़ में भी पीएम ने अपने एक और वादे को पूरा किया। पीएम ने महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम ने 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ ट्रांसफर किए। पीएम ने गारंटी का जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में महिलाएं और बहनें हैं। हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण। पीएम मोदी की गारंटियों का इन दिनों जिक्र हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम ने भी इसका जिक्र किया। जानकार इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। ऐसे में जनता के बीच इसके जिक्र को सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वादा किया, पूरा किया। पीएम ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, सेना में वन रैंक वन पेंशन, तीन तलाक को खत्म किया, मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण का यह बड़ा फैसला लिया गया। जो वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत के पर्यटन को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काजीरंगा में सफारी का वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी शनिवार को असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी का आनंद लिया था। कल पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी और आज वीडियो पोस्ट कर काजीरंगा की यात्रा को यादगार बताते हुए दुनिया भर के लोगों को काजीरंगा आने के लिए आमंत्रित भी किया। देखिए, और इसी के साथ ही खबर सरदार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।